है, कोई बुराई नहीं है। देखिए मैंने हर और जॉब की है, मैंने सुपरमार्केट में भी की है, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपका टारगेट वो नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट हमेशा अपने गोल्स को हाई रखें आप लोग ना, तो बस एक टाइम फ्रेम होता है जो आपने गुजारना होता है। मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक, हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY बैंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और कैरियर को ग्रूम कर सकती हैं, और उसके साथ साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल किस तरह से लेकर चल सकती हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही एक बड़ा मिथ है कि अगर औरत घर से बाहर निकलती है तो वो अपने घर को मैनेज नहीं कर पाती है या अपनी जॉब को सही तरह से नहीं कर पाती, तो इन मिथ्स पे हम बहुत सी स्टोरीज़ भी सुनते हैं। आज इसी तरह की हम एक मोटिवेटेड स्टोरी लेकर आए हैं, एक सक्सेस स्टोरी है जिसमें हम जानेंगे किस तरह से एक पाकिस्तानी लड़की जर्मनी में जाकर अपना सर्वाइवल करती है, अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करती है और अपने कैरियर का आगाज़ करती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम हमारी गेस्ट से। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मिस इकरा अब्बास हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ विन कंसल्टेंट हैं, उसके साथ साथ कंपेन मैनेजर हैं IPG मीडिया ब्रांड की हैम्बर्ग जर्मनी में। तो वेलकम करती हूँ मिस को मैं अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। थैंक यू सो मच मिस हमारे शो में आने के लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह से आप इतनी स्ट्रगल के बाद एक स्टेबिलिटी के लेवल पे आई हैं जहां आप अपना एक कंसल्टेंसी का एक पूरा प्रोजेक्ट लेकर चल रही हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि इसके पीछे की जो एफर्ट है, जो हमें लगता है बहुत शॉर्टकट्स अक्सर हमारे माइंड में ऐसा आता है, तो मैं चाहती हूं कि आप हमारी हमें बताएं सक्सेस स्टोरी अपनी, कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, क्योंकि आप भी एक मीडियोकर क्लास से बिलोंग करती हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन के बाद किस तरह से वो सारा स्टार्टअप किया, तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है यहाँ पे कि मुझे तो जब मैं स्टूडेंट थी, मुझे बिल्कुल भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से थी जो जिनको नहीं पता होता कि उन्होंने आगे क्या करना है। बस 8th-9th क्लास में जियो न्यूज़ देखती थी और उस पर आयशा बख्श आती थी, और बस वो मेरी आइडियलाइज थी कि मैंने भी इनकी तरह बनना है, बस वो शौक़ था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं पता था कि इसके लिए कोई स्पेशल स्टडीज़ होती हैं, ये होती है। मैंने आईकॉम किया था इंटरमीडिएट में, उसके बाद मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लाहौर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। आप यहाँ से आइडिया लगा लें कि मैं कितनी डम थी उस टाइम पे। तो एक फ्रेंड के भाई थे, वो पढ़ते थे सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ना, बस वहीं से मुझे पता था कि कोई सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। गूगल से उनका नंबर निकाला और कलमा चौक पहुँच गई मैं एडमिशन लेने के लिए। बस वहाँ पर सर थे, उन्होंने कहा बेटा फॉर्म फिल कर दो ये वो, तो BBA में मैंने एडमिशन लेना था। तो जब मैंने वहाँ पर सारे बैचलर्स के कोर्सेज़ देखे, उसमें था एक मैथ्स कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, तो मैंने उनसे पूछा सर ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा ये मीडिया स्टडीज़ है, इसमें आप न्यूज़ और जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि अम्मी अब्बू मैं ये कर लूँ अगर आप लोग कहते हैं तो, मैं BBA नहीं करना चाहती, मैं ये करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आप कर लें। उस दौरान सर हसीब खान होते थे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर मैथ्स कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के, तो बस उन्होंने भी थोड़ा मुझे गाइड किया और मैंने एडमिशन ले लिया। तो जब एडमिशन लिया, पढ़ना शुरू किया, थोड़ा मीडिया का पता चला, तो एक ही ख्वाहिश थी कि भाई न्यूज़ कास्टिंग करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और उसके साथ साथ मैंने थोड़े से वेब चैनल्स के साथ भी काम करती रही अपना, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं कंफर्टेबल फील नहीं किया उस फील्ड को, तो मैंने सोचा कि भाई यहीं पर फुल स्टॉप लगा देना ही इस टाइम बेहतर है। फिर उसी दौरान मुझे ऐसा ही एक ट्रेनिंग सेशन था जहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर थी, वो मार्केटिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर, उसकी जॉब ऑफर हो गई और मैंने वो स्टार्ट कर दी। बस जब मैंने वो मार्केटिंग का काम करना शुरू किया ना, तब मुझे पता चला कि भाई अब आने वाला जो दौर है ना, वो डिजिटल मीडिया का है। तो वहाँ से मैंने अपना माइंड बनाया कि भाई अब मैंने जो अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है वो डिजिटल मीडिया में करनी है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि जर्मनी से करनी है। तो प्लान्ड कुछ भी नहीं था एज सच, बस अल्लाह ताला एक रास्ता दिखाते गए और मैं उस रास्ते को फॉलो करती गई।
तो बस जैसे ही बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि क्या अब आपका प्लान है, तो मैंने कहा देखिए मैंने एमएस करना है, लाजमी करना है, उसके बगैर मैं मुझे लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। फिर ऐसे एक गैदरिंग में हम बैठे थे, फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे आउट ऑफ कंट्रीज को, तो उसमें से एक ने जर्मनी का नाम लिया और जर्मनी की सबसे अच्छी बात ये बताई कि एजुकेशन फ्री है। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही मतलब अच्छी न्यूज़ कह ले थी, और मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है जर्मनी को हम सर्च करते हैं। उसका भी प्लान था बाहर जाने का, मेरा भी प्लान था बाहर जाने का, तो हम दोनों ने मिल के उसको स्टडी किया जर्मनी को, और अपने लिए कोर्सेज ढूँढे और अप्लाई किया और जर्मनी चले गए। तो ये इसके पीछे एफर्ट्स बहुत लगी हैं, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में मैं उतनी एफर्ट्स आई थिंक अपनी बता नहीं सकती, इसमें शॉर्ट करके बता दी हूँ। जर्मनी पहुँची तो वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं जानने वाला आपका, और लैंग्वेज बैरियर है आपके पास और आपको नहीं पता। और मैं वो बंदी थी जो अपने पेरेंट्स के बगैर एक रात भी कहीं पे नहीं रुकी थी, और मेरे बू मुझे हमेशा कहते थे कि तुमने वहाँ रहना नहीं तुमने वापस आ जाना है, तो मैं तुम्हारे शौक है तुम्हें जाने का इसलिए मैं तुम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम वापस आ जाओगी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं मैं वापस नहीं आती, ये मेरी आपको गारंटी है। जर्मनी एक बहुत ही ना ड्राई कंट्री है, वहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है जिस तरह की सोशल लाइफ हमारी यहाँ पे है। 7 बजे सब बंद हो जाता है, और जर्मन्स भी इतने ओपन नहीं है कि आपको जल्दी से फ्रेंड बना ले। तो वहाँ पे होम सिकनेस और डिप्रेशन का जो लेवल है ना वो एक अलग लेवल है। कोई भी नहीं है ना वहाँ पे जानने वाला आपका, एक ज़ुबान नहीं है, ज़ुबान भी नहीं आती। तो मैंने बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में जाते देखा, और ये एक सीरियस मसला है। बेशक सुनने वालों को इतना सीरियस मसला ना लग रहा हो, लेकिन कहते हैं ना जो फील करता है वो उसी को पता होता है। बिल्कुल। तो फिर मुझे ये था कि अब मैंने अपने लिए जो एजुकेशन तो मुझे फ्री मिल रही है, लेकिन जो मेरी वहाँ पे बेसिक नेसेसरीज हैं मैंने उसको पूरा करना है, मैंने अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेज दिया तो अब मैं उन्हें कहूँ कि दीदी अब मुझे हर महीने यूरो भी भेजो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मेरे अंदर ये एक एहसास शुरू से था कि भाई जो करना है ना खुद करना है, पेरेंट्स ने आपको अलाउ कर दिया तो कुछ करके दिखाएं अब उन्हें। फिर जॉब शुरू की, जॉब मैंने बेकरी से शुरू की थी एक, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी मुझे, और उस टाइम पे मैं स्टूडेंट थी और इतना पता भी नहीं था कि भाई जर्मनी में कैसे जॉब लेनी है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। और एज बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, जब मैंने वहाँ पे इतनी इंटरनेशनल कंपनीज़ देखी और पढ़े लिखे लोग देखे, और ट्रस्ट मी मुझे ये अपने अंदर एहसास कमतरी हमेशा फील हुआ कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इनके साथ बैठ के काम कर सकूँ, ऑफिस जॉब, शायद मैं और जॉब्स ही करने के लिए रह गई हूँ। और ये सारी एहसास कमतरी मेरे अंदर इतनी आ चुकी थी कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं कंपनीज में भी अप्लाई करूँ। खैर स्टार्ट मैंने जब लिया तो वो बेकरी की जॉब थी, और उसमें मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, उसमें भी उन्होंने मुझे फ्रंट पे नहीं रखा, मुझे किचन में रखा, बिकॉज़ मैं कस्टमर के साथ इंट्रैक्शन नहीं कर सकती। वो स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जी मैकडोनल्ड्स की जॉब की, मैकडोनल्ड्स में भी वही ट्रीटमेंट, जब आप क्यों जाते हैं आपसे वेटरस का काम करवाया जाता है, आपसे डिश वॉश करवाई जाती हैं, आपसे क्लीनिंग करवाई जाती है। तो मैकडोनल्ड्स में मुझे ये एहसास कमतरी होती थी कि यार मैं इतना पढ़ के भी यही जॉब्स करनी है, मैंने क्यों करनी है, ऐसी क्या मजबूरी है मेरी। तो फिर मैं अपने आप को ये तसल्ली देती थी कि चलो यार आप एटलीस्ट अपनी कमाई से, अपनी हलाल की कमाई, मेहनत कमाई करके अपना गुजारा कर रहे हो तो फाइन है। फिर मुझे वहाँ भी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट मिला मैकडोनल्ड्स में ही, तो वो उसने मुझे बताया कि वो 5 साल से मैकडोनल्ड्स कर रहा है, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि 5 साल से यही जॉब कर रहे हैं। मैंने फिर उस दिन एक वादा खुद से किया कि इकरा सारी ज़िंदगी ये नहीं करना, ठीक है एक लिमिट है, कोई बुराई नहीं है। देखिए मैंने हर और जॉब की है, मैंने सुपरमार्केट में भी की है, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपका टारगेट वो नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट हमेशा अपने गोल्स को हाई रखें आप लोग ना, तो बस एक टाइम फ्रेम होता है जो आपने गुजारना होता है। तो डिग्री मेरी जब एंडिंग की तरफ आई तो फिर घर वालों की तरफ से फिर एक ये था कि अब आप शादी करनी है आपकी, क्योंकि मेरी सिस्टर की जो मेरे से छोटी है उसकी शादी पहले हो चुकी थी,
तो बस उनके माइंड में ये भी था कि अब इसकी भी शादी करनी है, तो बस उन्होंने प्रपोजल्स देखना शुरू कर दिए यहाँ पे। बट आई वाज नॉट एग्री कि मैं पाकिस्तान में शादी करूँ। मैंने कहा कि मैंने स्ट्रगल है मेरी प्रॉपर जर्मनी में जो मैंने किसी ने नहीं देखी है, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ? जब मैं बहुत करीब आ रही हूँ तो मैं कैसे छोड़ दूँ? फिर मैंने अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी कहते हैं ना ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कि नहीं आप टेंशन ना लें, आपने देखा है मैं यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हम यहीं पे कोई लड़का देख लेते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उनको ये था कि पता नहीं वहाँ पे लड़का कैसा होगा। मेरे पेरेंट्स की थोड़ी सी ये सोच थी कि जो बाहर रहने वाला लड़का होता है उन्होंने ऑलरेडी शादियाँ की होती हैं और वो लोग अच्छे नहीं होते। तो मैंने फिर उनकी ये जो मिसकंसेप्शन थी क्योंकि मैं खुद वहाँ पर थी ना, वो दूर की कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसे ही एक कम्युनिटी के थ्रू मुझे एक प्रोफाइल मिली और मैंने अपने पेरेंट्स के साथ वो प्रोफाइल शेयर की। तो मेरे पेरेंट्स इस थोड़ा सा हेजिटेट किया क्योंकि वो रहीम यार खान से थे, मैं लाहौर से थी, कहते इतनी दूर। मैंने कहा आप ये देखें हम दोनों जर्मनी में, वो डिस्टेंस देखें पाकिस्तान का ना देखें। फिर उन्होंने एग्री कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन 1 month पता भी नहीं चला हमारा निकाह हो गया। और मैंने फिर उसके बाद जब मैं निकाह के बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो फुल टाइम जॉब कर रहे थे जर्मनी में, तो कह लें कि वो एक चेंजिंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। निकाह अल्लाह ताला ने कहा है कि निकाह करो, बरकत है उसमें, रिस्क है, ये सारी बातें हमने सुनी होती हैं, लेकिन जब मैंने वो किया निकाह, उसके बाद अल्लाह ताला ने निकाह की बरकत से बहुत नवाजा। मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया, सबसे बड़ा क्रेडिट उनको देती हूँ मैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई आपने जर्मन मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करना है, जर्मन कंपनीज को कैसे अंडरस्टैंड करना है, अपने अंदर से एहसास से कमतरी निकाल दो, हम भी उन जैसे हैं, वो भी हम जैसे हैं। इवन के सम टाइम ऐसा भी मैंने लोगों में देखा है कि वो इतने क्वालिफाई वो नहीं होते जर्मन जितने क्वालिफाई हम हैं, जितनी स्किल्स हमारे अंदर है, बस हमारे अंदर एक एहसास से कमतरी ज़रूर आ जाती है। तो खैर मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिल गई और मैंने वो स्टार्ट की। उसी दौरान फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैनेज करना था, मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, सर्जरी के प्रोसेसेस, और आपको पता है टीबी के तो 6 months का कोर्स है, उसमें इतना ज़्यादा स्वेयर रिएक्शंस होते हैं मेडिसिन के, तो वो सब भी अकेले बियर किए और जॉब भी की, लेकिन मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। आई वॉज दैट मच डेडिकेटेड कि मैं टीबी जैसी बीमारी से लड़ भी रही थी, उसको सफ़र भी कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, एक दिन भी नहीं छोड़ी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला टाइम फ्रेम गुजरा, फिर फुल टाइम जॉब मैंने अप्लाई कर दी कि अब मैं थोड़ी बेहतर हो गई हूँ, फुल टाइम जॉब। तो मैं ना ये जॉब देख रही थी, ऐसे जॉब्स, तो ये कंपनी मेरी आंखों के सामने आई, IPG मीडिया ब्रांड्स। मैंने इसकी प्रोफाइल देखी और ये अमेरिकन कंपनी थी और दुनिया की वन ऑफ द टॉप एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज में से ये एक है इस टाइम पे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा इसमें जॉब आई है और इतनी ख़ास कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कहते ठीक है अप्लाई कर दो। तो अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि जैसे ये जॉब सिर्फ मेरे इंतज़ार में थी तो मैंने उसको एफिशिएंट तरीके से इंटरव्यू दिया, उसके लिए प्रिपेयर हुई, सब कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 week मेरी ये जॉब हुई थी। अदरवाइज़ जर्मनी में जॉब का प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बस कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब आपकी डेडिकेशन से देखता है, आपकी मेहनत देखता है, तो फिर कहाँ से रास्ते निकलते हैं पता भी नहीं चलता। फुल टाइम जॉब हो गई, फिर मैं और मेरे हस्बैंड चाहते थे कि हम कोई बिज़नेस करें, और पहले हमारा प्लान था कि जर्मनी में बिज़नेस करें, लेकिन उसको थोड़ा सा अभी टाइम था, हमने को सोचा कुछ पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो हम डिजिटली बैठ के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने फिर कंसल्टेंसी का सोचा कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए, लोगों को लिए आसानी पैदा की जाए, क्योंकि ये कंसल्टेंसी एक ऐसी फील्ड है जिसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वेज रेट्स कम है, स्टूडेंट्स और मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि हम कहीं बाहर मूव कर जाएं, और बस उस चीज़ का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं उनके साथ। तो इसी पर्पज़ के साथ हमने फिर पाकिस्तान में कंसल्टेंसी लॉन्च की अपनी, और उसको इसको हम डिजिटली ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्लान है कि इसको हम पाकिस्तान में इन पर्सन इसका ऑफिस भी बनाएंगे। और बस ये सारी चीज़ें थी जो साथ साथ चलती गईं। और अब हम पहले हम लोग सिर्फ जर्मनी कर रहे थे, फिर हमने जर्मनी के साथ दूसरी कंट्रीज़ जैसे हंगरी करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद स्वीडन पे ग्रिप कर ली,
अब हमने इसमें चाइना ऐड किया है, इसके अलावा हम आईडी जॉब्स की ट्रेनिंग भी ऐड कर चुके हैं इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे विन कंसल्टेंट्स के पेज पे जाके देख सकते हैं कि हमारी अभी तक बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैं अब आई हूँ तो मेरी कोशिश थी कि चले मैं अगर आई हूँ तो मैं लोगों तक मैसेज पहुँचाऊँ। अगर आप लोग वाकई अपना फ्यूचर, अपना करियर बाहर किसी कंट्री में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, हम गाइडेंस का कोई चार्ज नहीं करते क्योंकि ये बहुत लिटरली ये चीज़ है कि अगर आपने गाइडेंस भी लेनी है तो ऑब्वियसली आपको एक चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं किसी भी चीज़ के लिए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग और बड़ी ही अच्छी एक सक्सेस और मोटिवेटेड स्टोरी मैं से कहूँगी, क्योंकि स्पेशली फिज़िकल इलनेस और जो मेंटल इलनेस है वो एक बहुत बड़ा बैरियर है पाकिस्तान से बाहर जाके, और उसको कॉप अप करना एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ी सक्सेस है। और उसको कॉप अप करने के साथ साथ उन्होंने अपनी फील्ड को और अपना जो एक गोल था उस गोल को स्किप नहीं किया, उस गोल पे मोटिवेटेड रही और बड़ा अच्छा काम किया। बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है मेरा ख्याल है, और इसमें बड़ी लर्निंग भी हमें मिलती है। ऑब्वियसली हर एक के लिए एक लर्निंग पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन लास्टली मैं ज़रूर चाहूँगी कि फीमेल्स के लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें। देखिए फीमेल्स को मैं ना यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये बने कि आपने खुद सक्सेसफुल लेडी बनना है। जब आप एक सक्सेसफुल लेडी बन जाती है ना, सक्सेसफुल लेडी का ये मतलब नहीं है कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, ये चीज़ें हैं तभी आप सक्सेसफुल हैं। नहीं, सक्सेसफुल तब है जब आप एटलीस्ट अपने लिए कहते हैं ना कि एक कोई भी चीज़ ख़रीदने के काबिल हो जाती हैं और आपको शऊर आ जाता है, तो आप वो बने। ये ना हो कि आप ये हमारी सोच ये हो कि हम एक सक्सेसफुल बंदा ढूंढेंगे और हम फिर उससे शादी करेंगे और हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं, फिर इस सक्सेस को मैं सक्सेस नहीं कहती। और जो सेटिस्फेक्शन आपको खुद इंडिपेंडेंट होके मिलती है, देखिए आपको अपने पार्टनर का पूरा साथ देना चाहिए। आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होगा ना तो आपकी, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल हैं, आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो आपका वो फ्यूचर वो भी तबाह कर सकता है। और अगर आप आपका पार्टनर अच्छा है तो वो अगर आप कुछ भी नहीं है तो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। तो हमेशा अपने पार्टनर के लिए ये सोचा करें, अल्लाह से दुआ किया करें कि वो हो जो आपका साथ देने वाला हो, ना ये कि भाई वो एक सक्सेसफुल आदमी और हम उससे शादी करके बस हमारा लिविंग बेहतर हो जाएगा। तो बस यही मैसेज है मेरी तरफ से आप सबको, और मजबूत बने और अपने अंदर से वो जो एक बेचारगी वाला फैक्टर है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि औरत की ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको वो खुद से सॉल्व नहीं कर सकती। सब कुछ हो सकता है, बस हमने एक स्टेप लेना होता है और हिम्मत के साथ लेना होता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। और सबसे एंड पे जो आपने बात की कि वो इनिशिएटिव लेना ही समटाइम्स हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम स्ट्रांगली वो इनिशिएटिव ले लें तो हमारी लाइफ एक बड़े अच्छे तरीके से चल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस इकरा, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हर एक इंसान की लाइफ हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, अगर हम उससे कुछ सीखना चाहें और सीख कर उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। तो इसी के साथ हम आज के शो का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू शो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।